23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा तो देश के 140 करोड़ लोगों ने जश्न मनाया। ऐतिहासिक उपलब्धि के मौके पर कई राजनेता भी इस मिशन में शामिल इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने लगे। लेकिन इनमें से कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए कि अब सोशल मीडिया पर जमकर लोग उनके मजे ले रहे हैं। बयान ऐसे जिन्हें सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। इन नेताओं में ओपी राजभर से लेकर ममता बनर्जी का नाम शामिल है। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का। ओपी राजभर से जब चंद्रयान की सफलता को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने वैज्ञानिकों को सीधे चांद पर ही पहुंचा दिया और वे उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका स्वागत किया जाए। यूपी तक से बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने कहा कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। कल धरती पर सकुशल उसके आने का जो टाइम है, आने के बाद उनका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। अब इस बयान को लेकर ओपी राजभर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद लिस्ट में अगला नंबर आता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जो चंद्रयान 3 पर बधाई देते देते राकेश रोशन को याद करने लगी। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा का जिक्र कर रही थी, लेकिन राकेश शर्मा की जगह उन्होंने राकेश रोशन बोल दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন রাকেশ রোশনকে, যে উধার সে কেসে লাগ রা হ্যায়, আসমান সে কেসে লাগ রা হ্যায় মহাকাশ সে ইন্ডিয়া কো। इससे पहले राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चंदाना ने भी ऐसा बयान दिया जैसे उन्हें इस मिशन की कोई जानकारी न हो। सुनिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। वहीं वीडियो के आखिरी में बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो चंद्रयान को लेकर सवाल पूछने पर हैरत में पड़ गए थे। सर, आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।